हेलो, वेलकम टू निखिल्स फूड नेटवर्क। और आज हम बात करने वाले हैं क्रैब्स को लेकर। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो क्रैब्स खाना पसंद करते हैं लेकिन आपने कभी भी अपने घर में क्रैब्स नहीं बनाया, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इंडिया में जनरली जो कोस्टल एरियाज़ में क्रैब्स बहुत चाव से खाए जाते हैं, और हमें जनरली चार तरीके के क्रैब्स अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले जो क्रैब्स हैं वो येलो रिवर फार्म्स, हम उसको मराठी में मुटे बोलते हैं, जो कि रिवर स्ट्रीम्स में या फार्म्स के कॉर्नर पे दिखाई देते हैं। दूसरी जो प्रजाति है उसके अंदर वो आती है ग्रीन सेराटा, मतलब सेराटा माने ये जो क्रैब की वैरायटी है वो कमर्शियली इंडिया में या फिर महाराष्ट्र में कहूँगा तो यहाँ पे कमर्शियली रेस की जाती है, और ये जनरली आपको मिलते हैं मैनग्रूव्स में और स्वाम्प में, जो भी कीचड़ वाला एरिया है वहाँ पे ये क्रैब्स मिलते हैं। तीसरी वैरायटी जो है वो है ब्लैक क्रैब्स, बेसिकली इसको मराठी हम कुरला बोलते हैं। ये ब्लैक कलर की वैरायटी होती है, ये भी आपको खेतों के अंदर मिलेंगे और रिवर स्ट्रीम्स में, जो छोटे रिवर स्ट्रीम्स होते हैं जो कैनल अराउंड में होते हैं, कैनल एरियाज में होते हैं, जो बैक वाटर्स में होते हैं, ऐसे सारे जगहों पे ये आपको क्रैब्स मिलेंगे। और चौथी वैरायटी है आपके सी क्रैब्स, जो आपको डीप सी के अंदर मिलते हैं, जो आपको आपका फिशरमैन लेके आता है। तो ये थे कुछ चार वैरायटी क्रैब्स की। वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं दिखाने वाला हूँ कि अगर आप जिंदा क्रैब्स घर पे लेके आए तो उनको कैसे मारना है। सेकेंड पॉइंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्रैब को कैसे क्लीन करना है। और थर्ड बोनस रेसिपी इन द वीडियो एट द एंड, आपको एक ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन रेसिपी मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्टफ क्रैब्स की, जो महाराष्ट्रीय घरों में खाई जाती है रूरल एरियाज में। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं वीडियो के दौरान ये भी बताने वाला हूँ कि कौन से क्रैब में सबसे ज़्यादा मीट होता है, वो कैसे चेक किया जाए। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो के लिए। मेरे पास मैंने ब्लैक क्रैब्स जो कुरलिया होती है वो मुझे मुंबई में अवेलेबल हो गए थे लकीली, तो मैं वो क्रैब्स लेके आया हूँ। आइए देखते हैं वीडियो। प्लास्टिक घेऊन काय करणार राजा, जा खाली फुल मीट क्रैब चेक करने के लिए आपको उसके बैक साइड पे कुछ चीज़ें चेक करनी है। नहीं नहीं, डॉक्टर नहीं बनना है। सबसे पहली चीज़ आपको चेक करना है उसके पीछे के साइड पे कि उसका जो शेल है वो कितना सॉफ्ट है, आपको उसको प्रेस करके चेक करना है। अगर बैक साइड सरफेस फ्लैट हो और थंब से दबाने पर भी वो अंदर जा रहा है तो समझिए इसके अंदर मीट नहीं है। दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है उनके क्लॉस, अगर उनके क्लॉस पर बड़ी नेटिंग है तो समझिए करके इसके अंदर भी मीट कम है। राइट नाउ व्हाट यू सी ओवर हियर आर वाइल्ड क्रैब्स कॉट राइट फ्रॉम द फार्म्स। इनका बाइट जो होता है वो काफ़ी डेंजरस होता है, मतलब ये काट लेंगे एक बार तो अपना हाथ छोड़ देते हैं वहीं पे, डिसलोकेट कर देते हैं, बट वो अपना बाइट नहीं छोड़ते। अब मुझे मत काटना मेरे भाई, अब समय आ गया इनको ग्लोरी डेथ देने का। हेलो गाइस, द मोस्ट ह्यूमनली वे टू किल दोस क्रैब्स, अब हम करने वाले हैं, इसके अंदर हम गर्म पानी डालने वाले हैं, बॉइलिंग वाटर, सो दैट यू नो दे रेस्ट टू स्लीप। I hate myself for doing this.
या मुझे अच्छा ही लगता है यार जब भी मैं ये करता हूँ, बट आई देयर इज सेंस ऑफ इमेंस गिल्ट। एनीवेज अब मेरे लिए सिर्फ ये खाना है, सो आई एम गोना लुक दिस एज माई फूड। तो आइए दोस्तों क्रैब को क्लीन कर लेते हैं। तो ये है एक फुल फ्लेज्ड क्रैब, इसके क्लॉज आप देख सकते हैं, ये अभी मर चुका है। सबसे पहले इसके क्लॉज है वो स्नैप करेंगे हम, उसके बाद जो छोटे जो उसके लेग्स है वो भी हम स्नैप करके निकाल देंगे। उसके बाद हमें उसके बॉडी के पीछे जो एक पार्ट है वो निकालने की कोशिश करनी है। अगर वो निकल नहीं रहा है तो पूरी बॉडी आपके निकल जाती है आपके शेल से थोड़ा प्रेशर लगाने के बाद, एंड यू गेट दिस होल चेस्ट इन योर हैंड। अब उसके ऊपर जो लंग्स का जो पार्ट होता है, स्पंज जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको सारा निकालना होता है। अब इनके आउटर शेल को हम रनिंग टैप वाटर में अच्छे से क्लीन कर लेंगे। हम अपने रेसिपी में इस आउटर कवरिंग में आटा स्टफ करने वाले हैं। अगर आप अपने रेसिपी में ये नहीं करने वाले तो आप कम्प्लीटली इसको अवॉइड कर सकते। इस क्लॉक को हमें क्रैक ओपन करना है सो दैट यू नो जब भी हम इसको रेसिपी में डाले तो अब मसाले अच्छी तरह सीपिन हो जाए। और ये आप देख सकते हैं मेरे अच्छे से क्लीन किए हुए क्रैब के चेस्ट पार्ट और उसके क्लॉज जो है हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इन क्रैब्स को अब हम रेसिपी के लिए तैयार करते हैं। और इस क्रैब्स को हमने एक पतीले में ले लिया है और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी एक एंटीबायोटिक है, तो जनरली आप अपने नॉनवेज और सी फूड में तो जनरली आपको हल्दी यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, और सॉल्ट डालने के बाद हम डालेंगे इसमें लगभग 1.5 टेबल स्पून विनेगर, वाइट विनेगर। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमने सारी ये चीज़ इसमें डाली बिकॉज क्रैब से आने वाली एक फिशी स्मेल जो होती है उससे थोड़ी सी कम हो जाती है। ये क्रैब के स्मॉलर लेग्स को मैंने मिक्सर में डाल दिया है, मिक्सर में इसकी पेस्ट बनाकर हमें इसे रेसिपी में यूज़ करना है। तो फाइनली ये सारे क्रैब्स मैंने अच्छे से क्लीन कर ली है, ये शेल भी देख सकते हैं अच्छे से क्लीन हो चुकी है। अब इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये जो क्रैब्स है वो अच्छे से मैरिनेट हो रहे हैं। तो फाइनली हम अपनी रेसिपी के लिए शुरुआत कर सकते हैं। ये रेसिपी मेरी मॉम मुझे सिखाने वाली है, मुझे वो दिखाने वाली है, ये उनकी रेसिपी है। तो आइए शुरू करते हैं ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन क्रैब करी। इस रेसिपी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले ये बेसिक क्रैब करी, अगर आपके पास और समय है तो इस चने के आटे की फिलिंग भी हम इसके शेल में करते हैं, तो उसकी रेसिपी भी इसमें आ गई, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो शुरू करते हैं अपनी क्रैब की रेसिपी। सबसे पहले हम 4 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और उसके बाद हम उसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च स्लिट करके और थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और इसके अंदर हम लगभग 3 अनियन जो है ये हमने फ्राई करके इसमें डाले हुए हैं, और 1/2 टीस्पून हल्दी, थोड़ा सा कोरिएंडर, धनिया के पत्ते, और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे लगभग 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, और इसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे। अब समय है मैरिनेटेड क्रैब्स इसमें ऐड करने का, तो इसमें हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो था जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक क्विक मिक्स, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और नारियल का मसाला, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, इसको मिक्स कर लेंगे, और ये सारा मिक्स हो जाने के बाद इसको हम अपने क्रैब के मिक्सर में ऐड कर देंगे। अब बारी आती है क्रैब के छोटे लेग्स की, इसको भी हम अच्छे तरह से पेस्ट कर लेंगे। इसमें अब पानी ऐड कर देते हैं और इसकी मिक्सर पे एक पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट हो जाने पर उसमें पानी ऐड करके उसको अच्छे से छान लेना है, और यही मिक्सर जो है हमें पूरा क्रैब के करी के अंदर मिक्स कर लेना है। क्रैब के लेग्स का जो भी पूरा फ्लेवर है वो अपने करी में ऐड हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। अब बारी आती है सॉल्ट ऐड करने की, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सॉल्ट डाले बिना तो इसमें मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद थोड़ा सा हम कोकम ऐड करेंगे, अगर आपके पास कोकम नहीं है तो आप लेमन ऐड कर सकते हैं। अब बढ़ते अपने स्टेप 2 की तरफ। ये चने के आटे की फिलिंग बनाने की रेसिपी कम्प्लीटली ऑप्शनल है। ये बनाने के लिए सबसे पहले हम चने का आटा रोस्ट कर लेंगे, रोस्ट हो जाने पर उसको हम साइड में निकाल लेंगे। अब इसमें प्याज और नारियल का मसाला जो हमने फ्राई कर लिया था वो ऐड करेंगे। उसमें हम हल्दी ऐड करेंगे, फिर लाल मिर्च, सॉल्ट। अब हम इसमें क्रैब्स के लेग्स का मिक्सचर ऐड करेंगे। हम इसको अच्छी तरह से छान लेंगे सो दैट इसका शेल कोई भी इस बैटर में ना चला जाए। अब इसको अच्छे से मिलाने के बाद एक डो फॉर्म में लेके आएंगे। ये डो को हम क्रैब के आउटर शेल में स्टफ कर लेंगे। इसी तरह बाकी के क्रैब्स के अंदर भी ये डो स्टफ कर लेंगे।
इस करी में हम एक एक करके इसको ऐड कर लेंगे। अब इस पर ढक्कन रखकर कम से कम 15 मिनट्स कुक करेंगे। बस तो आपकी ऑथेंटिक महाराष्ट्रीयन क्रैब करी हो गई तैयार। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जाके कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग निखिल्स फूड नेटवर्क।